ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें दो फेज का मतदान भी हो चुका है। वहीं हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, वहां भी माहौल पूरी तरह से गर्म है। हर दल के नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच एक सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस की कोर टीम की स्टार कैंपेनर क्यों नजर नहीं आ रही। चुनाव से पहले प्रियंका का नाम कैंपेन में था, लेकिन प्रियंका की दोनों ही राज्यों में कहीं कोई प्रेजेंस दिखाई नहीं दे रही है। सवाल है क्यों। सारी दुनिया जानती है कि प्रियंका गांधी के साथ साजिश हुई है। राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर, देश में इन दो विधानसभा चुनाव की गूंज है। वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी ने एक बड़ा ही मौजूद सवाल उठाकर कांग्रेस के खेमे में सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी को लेकर सवाल पूछा है। सवाल ये कि प्रियंका चुनाव प्रचार से दूर क्यों है। ना तो प्रियंका गांधी हरियाणा में कैंपेन कर रही हैं और ना ही प्रियंका जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही हैं। क्या राहुल कैंप प्रियंका को साइडलाइन कर रहा है? बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि प्रियंका वाड्रा को हरियाणा में कांग्रेस के प्रचार से दूर रखना समझ में आता है, क्योंकि उनके जाते ही रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार और लूट की कहानियां फिर ताजा हो जाएंगी। लेकिन प्रियंका वाड्रा को तो जम्मू कश्मीर भी नहीं भेजा। क्या राहुल गांधी कैंप उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? कांग्रेस ने जब हरियाणा के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली थी तो उस लिस्ट में प्रियंका गांधी का नाम था। हरियाणा का दंगल अपने चरम पर पहुंच गया, लेकिन प्रियंका नदारद रही। उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए और अमेठी और रायबरेली में भाई राहुल गांधी को जिताने के लिए जो माहौल और मोर्चा खोला था वो काबिले तारीफ था। ये प्रियंका गांधी की मेहनत का ही नतीजा था कि अमेठी रायबरेली समेत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो अपने वजूद के लिए लड़ रही थी, सांसें ले रही थी, वो 17 सीटों में से 6 सीटें जीतकर आ गई। उसके बाद में राहुल गांधी का वायनाड छोड़ना, फिर रायबरेली को स्वीकार करना, फिर वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की अटकलें और दांव पेंच के बाद की जो कहानी है वो इसी चैप्टर के बाद की कहानी है। हरियाणा में 10 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए इस बार बड़ा मौका था। सीट सिलेक्शन से लेकर जातीय समीकरणों में तालमेल बिठाने की कांग्रेस ने हर संभव कोशिश की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले ही दिन के भाषण में हरियाणा में दलाल और दामाद वाला दांव खेल दिया। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। मोदी जिस दामाद को हरियाणा चुनाव के सीन में ला रहे हैं वो गांधी परिवार के दामाद यानी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा है। हरियाणा में जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया। जमीन खरीद मामले में FIR भी दर्ज हुई। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने जमीन खरीदी थी। वाड्रा पर गुरुग्राम के सेक्टर 83 में 3.5 एकड़ जमीन खरीदने का आरोप था। हुड्डा सरकार पर नियमों को ताक पर रखने का भी आरोप लगा। उस दौरान हुड्डा मुख्यमंत्री थे और उनके पास आवास और शहरी नियोजन विभाग था। FIR में कहा गया कि हुड्डा के प्रभाव से कॉलोनी के विकास के लिए स्काईलाइट को कमर्शियल लाइसेंस दिया गया, जिसे बाद में वाड्रा की कंपनी ने 58 करोड़ में DLF को बेच दिया। मैं काफी हैरान था कि अब जो प्रधानमंत्री जो अपने
प्रचार शुरू किया हरियाणा में, तो पहले ही प्रचार में उन्होंने फिर से मेरा नाम का गलत इस्तेमाल किया और जिस तरीके की भाषा भी इस्तेमाल की, लोगों को पसंद नहीं आएगा। और अगर वो दमादों और दलालों की जैसे भाषा इस्तेमाल करते हैं वो गलत है। इतना ही नहीं, स्काई लाइट ने नई दिल्ली में डीएलएफ द्वारा बनाए जा रहे एक होटल में 50% हिस्सेदारी के लिए $5.3 मिलियन यानी तकरीबन 44 करोड़ रुपए का भुगतान किया। 4 साल के भीतर जब होटल की कीमत $33 मिलियन यानी तकरीबन 275 करोड़ मिलियन यानी तकरीबन 142 करोड़ रुपए हो गई, यानी खर्च की गई रकम में वाड्रा को 4 साल में सीधे 3 गुना का फायदा हो गया। हरियाणा ही नहीं, राजस्थान में गहलोत सरकार ने भी रॉबर्ट वाड्रा को नियमों को ताक पर रखकर खूब फायदा पहुंचाया। आज आलम यह है कि रॉबर्ट वाड्रा की नेटवर्थ 1,250 करोड़ के करीब है। सत्ता में बैठी कांग्रेस ने कैसे रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया, इसकी ये बानगियां हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा इन घोटालों में खुद को क्लीन चिट देते हैं। उन्होंने 10 साल में कमीशन खड़ी की, जो ढींगरा कमीशन थी या RTI हुए कि और अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें उन्होंने पता किया, कार्रवाई की कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में कितनी ज़मीन है हरियाणा में, और उनको वहाँ क्लियर पता चला कि मेरे पास मेरी कंपनियों में 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। उन्होंने जितनी भी कार्रवाई की कभी भी उनको कुछ गलत नहीं मिला। वाड्रा जो कहे, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लपक लिया है। रॉबर्ट वाड्रा की कुंडली खोलने का बीजेपी को मौका ना मिले, इसीलिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को हरियाणा के चुनाव से दूर रखा। हालांकि प्रियंका की गैर मौजूदगी मुद्दा ना बने, इसलिए प्रियंका सोशल मीडिया प्रेजेंस जरूर दे रही है। प्रियंका राहुल गांधी के रैलियों के क्लिप शेयर कर रही है। जो 2 लाख वैकेंसी सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। प्रियंका की मौजूदगी से हरियाणा में निश्चित तौर पर खेल बिगड़ जाएगा, लेकिन बीजेपी का सवाल जम्मू कश्मीर को लेकर है। बीजेपी कह रही है कि प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर भी नहीं भेजा, और इसके पीछे जो वजह बीजेपी ने बताई कि क्या राहुल गांधी कैंप उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या वाकई राहुल गांधी का कैंप प्रियंका को आगे नहीं आने दे रहा? क्या वाकई कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका का कैंप अलग अलग है? सारी दुनिया जानती है कि प्रियंका गांधी के साथ साजिश हुई है, प्रियंका गांधी के साथ षड्यंत्र हुआ है। पूरा चुनाव निकल गया, प्रियंका गांधी को कहीं भेजा नहीं जा रहा है, ना हरियाणा में ना जम्मू कश्मीर में। राहुल गांधी जी की जो आसपास की चांडाल चौकड़ी है, वो नहीं चाहती कि प्रियंका गांधी को आगे किया जाए, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। आपको याद होगा, कांग्रेस से शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम ने कांग्रेस की असलियत उजागर की थी और कहा था कि वहां 5 पावर सेंटर हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है, और उसमें बहुत सारे लोग हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं, और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं। सवाल है, क्या प्रियंका इसी पावर सेंटर का शिकार हो रही हैं? ये बात किसी से छिपी नहीं कि प्रियंका के नेतृत्व में ताकत है, वो राहुल गांधी से ज्यादा सुलझी हुई और ज्यादा स्वीकार्यता हासिल कर सकती हैं, और प्रियंका ने इसे यूपी के चुनाव में साबित भी किया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? प्रियंका यूपी की राजनीति से बड़ी ही सावधानी से हटा दी गई और उन्हें वायनाड के ख्वाब दिखा दिए गए। यही बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी कैंप उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बीजेपी को इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये अलग बहस है, लेकिन कांग्रेस में अंदर खाने कुछ तो ऐसा चल रहा है जो दिख नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।